वोट किसको कर रहे हैं? वोट जितनी भी यहाँ पे पार्टी है, आपने किसको वोट करना है? लबैक को डालेंगे, वोट लबैक को डालेंगे। उनसे क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं है, आलम दीन है, इसलिए अल्लाह के अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। वो तो खान साहब ने भी करारदाद मंजूर करवाई है इस्लामिक फोबिया की, नबी पाक की हुरमत के ऊपर के कोई उनकी शान में गुस्ताखी ना कर सके, तो वो नहीं ठीक, उसके बारे में पता है आपको? दिल मानने की बात है ना। चलें, आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह है जो जिन्होंने ये कायनात उनके लिए तख्लीक की है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जी अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ऐसा भी बंदा है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं की, ना सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद भी कराया करारदाद मंजूर करवा के। तो आपने ये भी बात सोचनी है, वोट आप जिसको मर्जी करें लेकिन आप हक सच जान के वोट करें। वोट जो है ना, मैंने तकरीबन 10-12 साल से डालना ख़त्म कर दिया। मुल्क के जो हालात हैं, ये करप्ट लोग हैं सारे। हम वो पीपल पार्टी को डालते थे वोट। अच्छा, वो भी नहीं सही है। बाद वो हम वो भी सही है नहीं। अब जरदारी साहब आ गए हैं ना, बेनजीर साहबा सही थी के जुल्फकार अली भुट्टो, हमारी जान थी। हाँ जी, तो अब आप बेनजीर जितनी अहमियत जरदारी को या बिलावल को देते हैं? नहीं, हम नहीं देते हैं। आप देखा आपने कैसे सच यकीन था कि उन पर आपको यकीन था, और आपके जो ये मामला हैं इसको भी आप देखें कि कौन सा बंदा लॉयल है उसको वोट दें। उसके बाद हमने वो शेर को डाला वोट। अच्छा, नवाज शरीफ को। अब वो भी नहीं पसंद? वो भी, अब ये जो है ना, हम करेन को डालेंगे इंशाल्लाह। करेन को वोट डालेंगे जी। ये हर बंदे की अपनी मर्जी है, अपने उनके मामला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप भी इधर ही होते हैं, वोट इधर का आपका? सर, आप किसको वोट कर रहे हैं? पिछली दफ़ा तो शेर को डाला था, अब PTI के साथ। अब आप PTI को डाल रहे हैं, किस वजह से, क्या वजह है आप PTI को वोट डाल रहे हैं? बस इसी तरह ही है, सारे बेहतर है दूसरी जमातों से। दो तीन माह में देख लिया रिजल्ट, कोई कह रहा है कि भाई ये पहले से बुरहान आना था, और कोई कह रहा है कि भाई इन्होंने आगे किया, तो हमने तो बस जो किसी ने कहना है फिर वैसे ही देख। असल में बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि आवाम जो है ना, हमें ये अब सोचना पड़ेगा। आपने जैसे कि कहा कि यार इन सबको देख लिया, अब हम तहरीकन साहब को इसलिए वोट कर रहे हैं कि उसने थोड़ा सा कुछ बेहतर किया, ये होगा जो आप अवाम उनकी बात कर रही है ना। ऐसे ही है, जैसे थोड़े दिन पहले जलसा हुआ है तो मरीम नवाज भी इधर आई थी, तो इतना जलसा नहीं था। अब थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब भी आए हैं माशाल्लाह काफ़ी, यानी कि अवाम उनके ऊपर अब भरोसा करती है इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप भी ये PTI को वोट करेंगे, यहाँ पर रुझान मिला जुला है, हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से वोट कर रहा है। और मज़ीद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बात आप, आपका वोट इधर का ही है? ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है भाईजान, आपका वोट इधर का ही है? मैंने कभी डाला नहीं है। नहीं, तो अगर आपका इधर का वोट है तो आप डालेंगे इंशाल्लाह? किसको डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे। सही बंदे हैं वो? अभी तक से सही नज़र आ रहे हैं, दूसरी जमातों से बेहतर काम किया उन्होंने। हाँ जी, तो आप खान साहब को वोट करेंगे इसलिए? इंशाल्लाह। तो ये दूसरी जमातों के लिए क्या मैसेज है कि अवाम का जो बुरा हाल कर दिया 2-2.5 माह में, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा ही कर दिया, 150 पर पेट्रोल था, अच्छा था जी। ये देखें आपके सामने आए हैं, एक माह में कितना 250 हो गया। अब आपके भी काम पे असर पड़ा होगा कि जितने पहले शेक्स और जूस आप जितना पहले पैसों में बेचते थे, अब ज़रा महंगा करना पड़ा तो कस्टमर कम होंगे? कस्टमर तो ज़ाहिर है कम है, पहले बहुत ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं। वो कहते हैं पुराना रेट का, पुराने मंडी से ज़्यादा महंगा सौदा मिलता है, क्या करें आप? ये सारी चीज़ें महंगी, हुक्मरानों को आज के क्या मैसेज देंगे कि वो आम का गरीब वो आम का सोचें? इन्होंने क्या सोचना है मेरी जान, अल्लाह इनको हदायत देगा, हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ही इनको हदायत देगा। कि अवाम इस टाइम इस रद्द अमल पर उतर आई है कि उनको उम्मीद ही नहीं है कि ये जो मौजूदा दौर के लोग हैं कुछ करेंगे। आए देखते हैं ये भाई भी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, मैं इधर। सर किसको वोट करेंगे ज़िमनी इलेक्शन में? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा हमने। आप जो हम बींग पाकिस्तानी, हमारा राइट है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें और बेहतरी करें, आपको क्या लगता है कौन बेहतर है? सर देखिए, पहली तो बात ये है कि हमारे लिए भी तो कोई सोचे ना। बिल्कुल, ये तो सबसे पहले जो सोचेगा हम उसको वोट देंगे। सारी पार्टियों में आपको कौन
इतने परसेंट लगा के जो कोई गरीब लोगों की बात करता था सोचता था? सर बात तो ये है कि मैंने पिछली दफ़ा पीटीआई को वोट डाला था, शेयर को तो मैंने आज तक डाला नहीं है। ठीक है ना, पहले जब हम डालते थे हम पीपल पार्टी को डालते थे, जब पीपल पार्टी का नाम खत्म हुआ उसके बाद पहली दफ़ा पीटीआई को डाला, उसके अलावा वोट किसी को नहीं डाला। पीटीआई को वोट डालने की वजह क्या थी? कुछ भी पता नहीं था, मैंने कहा शायद कोई नया आया, शायद कोई नई तब्दीली आए। तो जो ये साजिश और मरासले वाला मामला उसके साथ हो गया, तो अब आपको लगता नहीं कि एक चांस और उसको देना चाहिए? नहीं, चांस तो यही है कि दोबारा भी ये देखे जो वोट लगा हुआ है पीटीआई का ही है, वोट पीटीआई का ही। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो मेन रुझान है वो पीटीआई का है लोगों का, कि उससे थोड़ी 1% कोई उम्मीद है कि शायद वो बेहतर करें? इंशाल्लाह कोशिश तो है, इंशाल्लाह जी कह रहे हैं उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। और आगे भी चलते हैं, बात करते हैं कि लोग किस तरह सोच रहे हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, भाई जान आप इधर ही हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इतने थे तुसी वोट बनया तुहाडा? मुर्गी खांदे दा वोट है जो जिमनी इलेक्शन हो रहे, तुसी वोट कास्ट करोगे? करांगे, करांगे। किन्ना नु करोगे? आइए देखो क्यों कर रहे हैं। नहीं, कौन मुल्क वास्ते बेहतर लगदी पार्टी ता? ये इमरान साहब ही ने, अगो देखो की बनता है। इमरान साहब कोई बेहतर ने गरीब वास्ते? ओनू टाइम मौका नहीं मिले है, ओनू किदा मौका मिलता ते पता नहीं की करना सी। ओनू दोबारा मौका मिलना चाहिदा? मिलना चाहिदा, अल्लाह चाहेगा ते मिलेगा। अल्लाह चाहेगा। उम्मीद है की करदा है। बाकी बंदा ठीक लगदा ता? है ठीक है, जो आम काम होंगे से पहले उन्होंने सही है। फिर भी हूँ महंगाई बहुत ज्यादा, कस्टमर भी थोड़ा हो गया, महंगाई है कि बैठे पकड़ा चीज़ा महंगी ऑटोमैटिकली हो गई हैं। इम्तिहान है जे गाहक सड़क से नहीं गया जे बंदा नहीं गया, महंगाई की वजह तो कारोबार का ही फर्क पै, बंदा परेशान है। कुरबानिया ले होने बेचारे बकरे जाके सदर गोशा कलून जाके इन्ना को बकरा खड़ोता गाहक ही नहीं गा, खरीदे कितों पैसा होगा कोई गरीब खरीदे। गरीब इंसान का बहुत ही परेशानी में हाल है जी। बहुत शुक्रिया सर बात करने का, कि वो भी खान साहब से उम्मीद लगा रही है दुनिया मोस्टली, और देखें क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपका इधर ही का वोट है? मैं सदर का रहशी हूँ। तो वोट जिमनी इलेक्शन में आ रहे हैं आप? वोट किसी को भी नहीं डालना वोट। क्या वजह सर? कोई अपने मसले हम खुद ही हल करते हैं, ये नहीं करते। अवाम के मसले तो जब आप हुक्मरान आएगा कोई नया, तो वो आपकी बेसिक चीज़ें तो उसने करेगा सस्ता। आपको किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से उम्मीद नहीं है, अपना काम खुद ही करना है। मतलब कि फिर सस्ता यूटिलिटी स्टोर पे दे रहे हैं, औरतें जलील हो रही हैं। हाँ जी, बहुत रश। तो फिर इनका क्या फ़ायदा? किसी को इनका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो एक बंदे को ये सारा दो माह में सारे आजमाए हुए हैं, बार बार इनको आजमाना बेवकूफ़ी है। यानी कि आप वोट अपना ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल ज़ाया करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे अपना वोट भी ज़ाया करने के लिए हैं कि जी हम अपना वोट जो है वो ज़ाया कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम भजन, इधर का ही वोट है आपका? नहीं भाई, हमारा वोट ही नहीं। किसकी? किसी को नहीं देना? नहीं नहीं नहीं। क्यों, क्या वजह सर? वो देखा भाई, तो पाकिस्तान होने के शहरी होने के नाते हमारा तो फर्ज है ना कि आपने फर्ज नहीं है, सब अल्लाह ही अल्लाह। यानी कि महंगाई की वजह से गरीब आवाम बेबस हो गई? बेबस हो गई, तो वो किसी को भी नहीं वोट करेगी? नहीं नहीं नहीं। तो ये किस तरह फिर ये सारा मुल्क का निज़ाम ठीक? अल्लाह चलाएगा, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला। आप सर क्या सोचते हैं इस महंगाई में किसको वोट करेंगे? किसी को भी नहीं करेंगे। आप भी नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं करेंगे। खान साहब से क्या नाराज? अच्छे नहीं लगते भाई, मतलब के बाकियों की निस्बत उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं, अच्छी कामों को तो छोड़े, उनकी ब्यूटी शक्ल ही नहीं अच्छी। अल्लाह ने कहा है कि किसी गोरे को किसी काले पे कोई अजमियत हासिल नहीं है, शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है। अब आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं होगा तो वो आपको ये थोड़ी कहेगा कि मैंने इसे गोश्त नहीं ले। अपना अपना सोच है ना भाई जान, नहीं है मैं पसंद। वोट किसको करेंगे? किसी को भी नहीं करेंगे। वोट किसी को नहीं करेंगे कि ये हर चीज़ का एक निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, सर जी आपका वोट बना हुआ इधर का? जी बना। सर किसको वोट करेंगे? अभी तक मुस्लिम लीग को डालना है, नवाज शरीफ को आप नहीं डालना। नवाज शरीफ को वोट नहीं डालना, तो किसका आप सोचा इस दफा? पीटीआई का इमरान खान। वो बेहतर बंदा है इन दूसरों से? बेहतर नहीं है, शायद बेहतरी हो जाए। जो उसको मौका, यानी कि अभी मुकम्मल नहीं मिला, उसको मुकम्मल मिलना चाहिए मौका? बिल्कुल मिलना चाहिए, अगले पूरे 5 साल मिलने चाहिए। 5 साल मिलने चाहिए ताकि वो मजीद कामों को बेहतर करें इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क के हालात वापस बेहतरी की तरफ आएंगे? अमीर अमीर पर दुनिया कायम है, अल्लाह के जो अल्लाह करे वही होगा, लेकिन अमीर अच्छा होना चाहिए, जो भी हो अवाम और मुल्क के लिए अच्छा आए। अवाम और मुल्क के लिए अच्छा हो, बहुत अच्छी बात की भाई ने, कि जो भी आए वो इस मुल्क के लिए और गरीब लोगों के लिए बेहतर काम करें।
आए मजीद टॉक करते हैं। आपके काम पे फर्क पड़ा है कोई? ये तो मुझे खुद को नहीं पता। नहीं, कम हुई है बिक्री के ज्यादा हुई है? भाई शुक्र है मालिक का, चल रहा चल रहा सिस्टम। शाम को ज्यादा काम होता? हाँ जी। वोट बना हुआ है? नहीं, आईडी कार्ड बने को तकरीबन साल हो गया। अभी साल हो गया तो आपका इधर ही रहते हो? रहता तो मैं दुकान पे हूँ, पर मैं पीछे गांव से आया। अच्छा, गांव से हैं जी? ये गांव से, इनका वोट नहीं है ज़िमनी इलेक्शन में, लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि कुछ बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो मज़ीद आगे देखते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से महंगाई में लोग परेशान हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर ही रहते हैं आप? हाँ जी, इधर। वोट किसको करेंगे इस दफा? वोट दिन पहले पाई थे। किनू पाया? वोट लिए का। क्या वजह है आप उनको वोट करेंगे? तो जिनको डाला था उन्होंने क्या किया? किसको पहले आपने वोट दिया? इमरान खान। तो आपको अब लगता है कि ये जो 2 महीनों में इस मुल्क का इतना ज़्यादा महंगाई का आलम हो गया है, तो ये मियां साहब दोबारा ठीक कर देंगे? पहले भी उन्होंने किया था, अब भी कर देंगे। कैसे किया था पहले की कोई मुझे थोड़ी सी मिसाल दें कि यार किस गोम से खा रहे थे, महंगाई इतनी कम ज़्यादा नहीं थी। नहीं तो ये जो पहले जो 3-3.5 साल आए हैं उसमें 150 फ्यूल था, अब 2 माह में 250 हो गया। घी भी तो 500 रुपया किलो हुआ ना। हाँ, तो वो अब उन्होंने ऑलरेडी 600-600 रुपया। पेट्रोल तो नहीं ना आदमी खाता, गरीब बंदा तो ये रोटी ही खाता है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन पेट्रोल महंगा होता है, पूरी मईशत पे असर पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन ये मुश्किल है, मुल्क नहीं ठीक होगा। मुल्क ठीक होगा, हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। हुक्मरान नहीं सही है। सर आप किसको वोट करेंगे? तरीके लब्बैक को। लब्बैक को वोट किस वजह से देंगे? दोनों पार्टियों को आजमाकर देख लिया, दोनों पार्टियाँ डेड हैं। पीटीआई और नून लीग नहीं, अब दोनों ही फारिग हैं। तो लब्बैक को आपको क्या उम्मीद है कि लब्बैक वाले इस मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं कुछ? देखें, इस्लाम के नाम पे वो खड़े हुए हैं, तो कुछ अच्छा सोचेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे ना वो।